बदमाशों ने थाने में घुसकर AK-47 से बरसाई गोलियां। लॉकअप से साथी को छुड़ा ले भागे आरोपी। अजमेर में भी बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस जाब्ता तैनात। राजस्थान के अलवर में हथियारबंद बदमाशों ने शुक्रवार को बहरोड थाने पर हमला बोल दिया। घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई, तब वहां 20 पुलिसकर्मी मौजूद थे। बेकॉफ बदमाशों ने थाने में AK-47 से करीब 50 राउंड फायर किए और लॉकअप में बंद साथी को छुड़ाकर ले गए। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप गए और कुछ भाग गए। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से आए हमलावरों ने विक्रम उर्फ पल्पा नाम के बदमाश को छुड़ाया है। पुलिस ने गुरुवार रात चेकिंग के दौरान उसे पकड़कर थाने लाई थी। अगली सुबह गाड़ी में कुछ बदमाश थाने पहुंचे, उनके पास AK-47 और अन्य हथियार थे। यहाँ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पल्पा के खिलाफ मामला दर्ज है। पहले भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पेशी के दौरान बदमाश उसे कोर्ट परिसर से छुड़ाकर ले गए थे। रोड के अंदर थाने के ऊपर एक दर्जन से ज्यादा हरियाणा के क्रिमिनलों द्वारा अटैक करके लोकम में बंद हार्ड कोर उनके साथी क्रिमिनल को छुड़ा कर ले जाना बहुत ही चिंताजनक घटना है और बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे लिए। और मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जब तक इस बात को पहुंचाया, राजस्थान के डीजी तक इस बात को पहुंचाया और मैंने उनसे भी बताया कि ये पुलिस की भी घोर लापरवाही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है, पुलिस के पास पूरा स्टाफ नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस की इस लापरवाही से कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब उसको गिरफ्तार किया, नाकाबंदी तोड़ के वो भग रहा था 5 बजे क्रिमिनल, और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसके कुछ साथी भग गए, पुलिस उसको लेके आई। और कभी भी ऐसी घटना होती है, पुलिस अगर कोई नाकाबंदी तोड़ के भग रहा होता है और उसको गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले पुलिस ये आइडेंटिफाई करती है कि व्यक्ति है कौन और नाकाबंदी तोड़ने का इसका मकसद क्या था, ये क्यों भग रहा था नाकाबंदी तोड़ करके, और उसके स्थानीय थाने से पता किया जाता है उसके बैकग्राउंड के बारे में। और जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया था, जो पतला नाम का व्यक्ति है, जो हरियाणा का क्रिमिनल है, पहले भी हरियाणा से वो गोलियां चला करके पुलिस कस्टडी से भगा हुआ है, 5-5 मर्डर केस में वांछित है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिल जाए तो पुलिस की कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी बनती थी कि उसको ऐसे सुरक्षित जगह पर रखे जिससे कि उसके क्रिमिनल साथियों को पता ना लग सके कि उसको पुलिस ने कहाँ रखा है। दूसरा, अगर उसको बहरोड थाने में रखा तो बहरोड थाना जो आबादी के बीच में थाना स्थित है और थाने की जो बनावट है वो इतनी सेफ है कि अगर वहाँ के मेन गेट को बंद कर दिया जाए और मोर्चा अगर ठीक से ले लिया जाए तो कितने भी क्रिमिनल, चाहे 50 क्रिमिनल आओ, वो वहाँ से छुड़ा करके नहीं ले जा सकते। लेकिन चूंकि ये पुलिस की घोर लापरवाही रही कि वो लोग आए, उन्होंने थाने पर अटैक किया, मुकाबला तो करना दूर की बात, पुलिस थाने से कूद करके भग गई, कुछ लोग थे उन्होंने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। चलो ये भी मैं मानता हूँ कि अटैक अचानक किया, पुलिस मुकाबला नहीं कर पाई, लेकिन कम से कम इतना तो पुलिस का कोई आदमी हिम्मत जुटा के कर सकता था कि जब क्रिमिनल छुटा के लेकर के जा रहे थे तो कोई हवाई जहाज से उठा के नहीं ले गए, कोई हेलीकॉप्टर से उठा के नहीं ले गए, बाई रोड जब वो स्कॉर्पियो गाड़ी से लेकर के जा रहे थे तो थोड़ा डिस्टेंस रख के दूसरी गाड़ी से उनका पीछा किया जा सकता था, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रख के पीछा किया जा सकता था। ऐसा अनेक बार हुआ है कि हमारे वहीं की क्षेत्र की जनता ने, जो कोई बैंक लूटने वाले आए, उनका कुछ लड़कों ने पीछा किया, डिस्टेंस बना के उनकी लोकेशन देते रहे और आगे नाकाबंदी करके उनको पकड़ा गया। इसी तरह अगर पुलिस उनका पीछा करती और लोकेशन देती रहती तो आगे नाकाबंदी करके और वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुके होते और हमारी जो ये नाक कट गई वो कटने से हम बच जाते और पुलिस के ऊपर जनता का भरोसा कायम रहता और पुलिस को ये विश्वास रहता कि पुलिस क्रिमिनल को इस तरह से बच करके आसानी से जाने नहीं देगी। और ये जो इस तरह से क्रिमिनल को थाने से छुड़ा करके ले जाना, ये मैं कहता हूँ चिंता की इसलिए भी बात है कि इससे दूसरे जो क्रिमिनल लोग हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा और जनता का मनोबल गिरेगा और पुलिस का भी मनोबल गिरेगा। और ये सतत प्रक्रिया से होता आ रहा है, मतलब कंटिन्यू होता चला आ रहा है हमारे क्षेत्र में कि कहीं गोलीमारी होना, कहीं अटैक होना, कहीं पुलिस कस्टडी में तो वहाँ पर छुड़ाने का प्रयास करना, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि थाने पर अटैक करके लोकअप से क्रिमिनल को छुटा के ले जाना, ये बहुत ही चिंता की बात है। और पीछे कार्रवाई नहीं हुई इसीलिए बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हुए। और मैंने तो राजस्थान की सरकार से भी कहा और कहना भी चाहता हूँ कि आप हमेशा, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, कोई एक बार लापरवाही करता पुलिस अधिकारी, उसकी लापरवाही पाई जाती है, आप उसको सस्पेंड कर देते या उसको लाइन हाजिर कर देते, 15 दिन बाद, महीने बाद उसको बढ़ाईदार पोस्टिंग पर फील्ड में फिर लगा देते हैं। इससे क्या मतलब निकलता है? अगर आप किसी की लापरवाही पाते हैं, किसी अधिकारी की, और ये आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ उसको सस्पेंड करो, लाइन हाजिर करो,
तो कम से कम 5 साल तक वो व्यक्ति फील्ड में नहीं आना चाहिए। बहुत से ईमानदार अधिकारी हैं जो बेचारे लाइन में पड़े सड़ रहे हैं, उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है क्योंकि वो नेताओं की चमचागिरी नहीं करते, वो सीनियर अधिकारियों की चमचागिरी नहीं करते, वो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा ऊपर तक नहीं पहुंचाते, उनको पोस्टिंग नहीं मिलती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा मलाईदार पोस्टिंग में रहते हैं, इसलिए इसको ठीक किया जाए। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो निश्चित रूप से जनता के अंदर गलत मैसेज जाएगा और जनता का भरोसा राजस्थान पुलिस